हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आप सब कैसे हैं? शायद ठीक ही होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। मैं फिर से एक व्लॉग लेके आ गई हूँ और ये व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है, आप लोग देखते रहना मेरे साथ। और मैं आज जा रही हूँ बाहर, कोलकाता जा रही हूँ। मेरी एक बहन की नेल एक्सटेंशन की एग्ज़ाम है, तो उनके मॉडल के रूम में मैं जा रही हूँ। यहाँ पे सब आ गए हैं, मैं उतर चुकी हूँ ट्रेन से और यहाँ पे सब से मिल चुकी हूँ। ये मेरी बहन है, उसके एग्ज़ाम के लिए मैं मॉडल रूप में जा रही हूँ। और पीछे मेरी एक दीदी है और एक बहन है, हम सब जा रहे हैं अभी ऑटो लेके वही एग्ज़ाम हॉल में। तो गाइस यहाँ पे देखिए, मेरा एक्सटेंशन चालू हो चुका है। वो मेरे नेल्स एक्स्ट्रा ऐड कर चुके हैं हाथ में, कितने बड़े बड़े। मुझे तो बहुत इरिटेट फील हुआ था, पर क्या करूँ, करना पड़ेगा। पहले तो बड़े बहुत बड़े थे, पर बाद में वो काट दिए थे। यहाँ पे देखिए, दोनों हाथ पे कंप्लीट हो गया है मेरा नेल ऐड करना। पर पहले ये ऐड करने से पहले बहुत सारे रूल्स प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद ये ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो वो खोल जाते हैं। अभी यहाँ पे मेरे नेल्स की कुछ छोटे करके वो काटिंग कर रहे हैं। अभी नेल्स के ऊपर कलर करके अभी पेंटिंग चालू कर दिया है। और पेंटिंग करने में बहुत टाइम लगा, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। बहुत बोरिंग फील हो रहा था मुझे उसी टाइम। हेलो गाइस, तो मैं सुबह सुबह उठ के ही वीडियो बनाने लग गई हूँ, क्योंकि आप लोगों को कल मैं बताई थी कि मैं नेल एक्सटेंशन करने के लिए कोलकाता जा रही हूँ। और लौटने के बाद बहुत थक गई थी मैं, खा पी के सो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाई, दिखा नहीं पाई आप लोगों को। और रात भी हो गया था ज़्यादा, तो इसीलिए नहीं वीडियो बना पाई। तो सुबह इसी मैं बहुत दिन बाद एक फिर से नया व्लॉग लेके आ गई हूँ। तो ये व्लॉग थोड़ा अलग होने वाला है और आप लोग देखते रहना ये व्लॉग क्या क्या दिखाती हूँ मैं। ये मेरा पहला नेल एक्सटेंशन रहेगा और वो एक्सटेंशन कैसे रहेगा आप लोग देखते रहना। और मेरी एक बहन थी, मेरी मौसी की बेटी, तो वो नेल एक्सटेंशन की एग्ज़ाम देने गई थी, तो मैं उनके साथ चली गई थी एग्ज़ाम। और मैं मॉडल के रूम में गई थी उनके साथ, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी वो कैसे बनाई है मेरे हाथ पे। नेल तो थोड़ा बड़े थे पर मैं काट दी हूँ। शायद आप लोगों को अच्छी लगी है, अच्छे लगे। और मैं वो लोग एग्ज़ाम देने के लिए 3 से 4 घंटा लगा दिए थे, तो उसी टाइम थोड़ी थोड़ी वीडियो निकाली, वो भी आप लोगों को शेयर करूँगी कैसे बनाए हैं। और ये फाइनल यही था, और भी थोड़ा बड़े थे, थोड़ा ऐसे ऐसे बड़े थे, मैं काट दी क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में उनके बड़े बनाना पड़ता है कैसे बनाते हैं। और मैं छोटे करके आई हूँ अभी। वो मुझे बोले थे कि एग्ज़ाम देने के मैं टाइम पे मैं थोड़ा बड़े रखूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा छोटे कर दूँगी, नहीं तो काम करने के लिए प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है। तो मैं घर आके ऐसे छोटे कर ली, उसके बाद वो लोग उनके घर चले गए, मैं घर आ गई। तो बहुत कल संडे था, फिर भी ट्रेन में और बस में बहुत भीड़ था, इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाई। तो इसलिए आप लोग को आज शेयर की। आप लोग ज़रूर बताना ये नेल एक्सटेंशन मेरा पहला था, तो पहला एक्सटेंशन मेरा कैसा लगा आप लोगों को। वो मेरे घर भी आने वाले हैं, तो तभी मेरे ये एक्सटेंशन निकल के और दूसरा लगाने वाले हैं। वो बोल के रखे थे कि जो है एग्ज़ाम में मुझे दो जो ही दिया गया मैं वो करूँगी, और तुम्हें पसंद नहीं आया तो ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे घर जाके कर दूँगी, तो इसलिए कोई बात नहीं, जो है ये 2-4 दिन रहेगा, उसके बाद मैं इससे निकाल के दूसरा लगाऊँगी।
आप लोग ज़रूर बताना मेरा ये पहला एक्सटेंशन कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और अभी मैं ठीक से काम नहीं कर पा रही हूँ, और इससे भी बड़े जब थे मैं तो खा भी नहीं पा रही थी, इसीलिए थोड़ा छोटे कर दिए। और यही था मेरा पहला एक्सटेंशन, तो आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में। तो गाइस अभी मैं बाहर गई थी वीडियो एक्सटेंशन दिखाने के बाद आप लोगों को, मैं अभी बाहर गई थी, मेरे लिए पार्सल आया है, एक टी शर्ट है घर वाले के लिए, तो उसे सरप्राइज़ देना है। टी शर्ट में मैं कुछ मेकिंग करूँगी उसके बाद दूँगी। अभी मैं एक ट्रेंडिंग वीडियो चल रहा है उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगी, एक क्या बनाऊंगी उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी क्या बनाऊंगी, उसके बाद ही उसे दूंगी। अभी इसे क्या, इसमें क्या है, अभी चलिए इसे अनपैकिंग करके दिखाती हूँ इसमें क्या है। इसमें व्हाइट कलर का एक टी शर्ट है, इसे मैं कुछ प्रोसेसिंग करूंगी उसके बाद ही जिसे देना है दूंगी। इसका मटेरियल कैसा है इसे खोल के देखते हैं। मटेरियल ज़्यादा अच्छा नहीं है, सब ठीक है। तो गाइस आज का व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और मिलते हैं अगले एक व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।